हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 19वां जोधपुर पोलो सीजन 2018 का रंगारंग शुभारंभ। जोधपुर पोलो और इक्वेस्ट्रेडियन क्लब इंस्टीट्यूशन जोधपुर के तत्वाधान में 19वां जोधपुर पोलो सीजन का रविवार को महाराजा गत सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान में रंगारंग शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय सेना के मेजर जनरल AS चौहान और मुख्य संरक्षक पूर्व नरेश गत सिंह और उम्मीद भवन पैलेस होटल के जनरल मैनेजर मेहर नवाज अवेरी उपस्थित थे। उन्होंने मैदान में गेंद फेंककर पोलो सीजन के पहले मैच का शुभारंभ किया। ये पोलो सीजन 30 दिसंबर तक चलेगा। उम्मीद भवन पैलेस कप के पहले दिन के मैच में मेयो कॉलेज ने एक तरफा मैच में BSF को 5-16 16 गोल कर 11 गोल के अंतर से हराया। एक महीने तक चलने वाले ख्याति प्राप्त 19वें पोलो सीजन का रंगारंग शुभारंभ हुआ। मेहरानगढ़ बैंड ने पधारो मारे देश की सुंदर सुलहरिया बिखेरी, वहीं आर्मी के पाइप बैंड ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की स्वर लहरियों से उद्घाटन को रंगारंग बनाया। वहीं राजमाता कृष्ण कुमारी विद्यालय की बालिकाओं ने सैकड़ों रंगीन गुब्बारे आसमान में उड़ाए। इस अवसर पर महाराज मदन सिंह कर्नल गजेंद्र सिंह, आप जी विजय सिंह, BSF टीम के कोच डिप्टी कमांडेंट याकूब अली पठान, दिग्विजय सिंह भावरी सहित सैकड़ों पोलो प्रेमी उपस्थित थे। सचिव कर्नल उमेद सिंह और ध्वजराज सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। जोधपुर पोलो और इक्विस्ट्रियन क्लब इंस्टीट्यूशन के मानद सचिव कर्नल उमेद सिंह ने बताया कि पोलो सीजन के शुभारंभ में रविवार को शुरू हुए उम्मीद भवन पैलेस कप 4 गोल के पहले दिन के मैच में मेयो कॉलेज और BSF के 4 मैच खेले गए, जिसमें मेयो कॉलेज ने BSF को 5-16 16 गोल कर 11 गोल के अंतर से हराया। 4 चक्कर के मैच में मेयो कॉलेज के हेमेंद्र सिंह ने पहले और दूसरे चक्कर में 2-2 गोल, निखिलेंद्र सिंह ने पहले चक्कर में 2 गोल, योगेश्वर सिंह ने पहले दूसरे चक्कर में 1-1 और तीसरे चक्कर में 2 गोल और विश्वराज सिंह ने दूसरे चक्कर में 1, तीसरे चक्कर में 3 और चौथे चक्कर में 2 गोल दिए। 3 गोल की शुरुआती बढ़त के साथ खेलते हुए BSF टीम के कांस्टेबल राकेश और कांस्टेबल दिनेश ने मैच के चौथे चक्कर के अंतिम समय में 1-1 गोल किया। मैच के अंपायर धनंजय सिंह और अजितेज सिंह और रेफरी सन्नी पटेल और कमेंट्री अभिजीत सिंह रोहित ने की। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।